हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी साहित्यिक क्लास चल रही है, मैं आदि गणेश। आधुनिक काल के अंदर हमने सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद, प्रगतिवाद और ये सारे क्रमों को हम पढ़ते पढ़ते आज हम आ गए हैं प्रयोगवाद की ओर। आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद के ऊपर और प्रयोगवाद के आगे नई कविता, साठोत्री कविता, इनके बारे में देखेंगे, इनके प्रमुख रचनाकार कौन से हैं। और इस कक्षा के अंदर प्रयोगवाद कुछ विशेष तथ्य और जो तार सप्तक है उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे बात पहले बात करते हैं समय सीमा की। तो प्रयोगवाद की समय सीमा देखें तो 1943 से 1953 ईस्वी तक, 43 से 53 ईस्वी। वहीं नई कविता की समय सीमा की बात करें तो 53 से 1960। वहीं आगे साठोत्री कविता या यूं कहें समकालीन कविता, इसकी समय सीमा की बात करें तो 1960 से अब तक के समय को देखते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ, शुरुआत लंदन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से माना जाता है, या यूं कहें कि प्रयोगवाद का आरंभ जो है लंदन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित माना जाता है आविर्भाव का कारण। प्रयोगवाद का विकसित रूप ही क्या है, नई कविता। अब नई कविता के संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि प्रयोगवाद का जो विकसित रूप है, आगे का जो रूप है वही नई कविता देखने को मिलता है। आगे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन है, तो वहां पर आप करोगे सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आगे। आगे का नाम आएगा प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अंदर। प्रयोगवाद जो शब्द था, नंद दुलारे वाजपेयी की देन है, इन्होंने एक निबंध लिखा था उसी के तदुपरांत, उसी की उत्पत्ति स्वरूप ये प्रयोगवाद शब्द मिला था नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा। प्रयोगवाद भाषा, छंद, काव्य, प्रतीक आदि क्षेत्रों में नए नए प्रयोग करना ही प्रयोगवाद कहलाता है। मतलब अलंकार के क्षेत्र में, छंद में, भाषा में, काव्य प्रतीक उपमानों में जो नए नए प्रयोग देखने को मिले इस समय के अंदर वही प्रयोगवाद है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को ठाले बैठे लोगों का काम बताया। ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखें कि ठाले बैठे लोगों का काम प्रयोगवाद को किसने कहा, तो वह है नंद दुलारे वाजपेयी ने, कि जो लोग ठाले बैठे हैं जिनकी कोई काम नहीं है वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं, ये कहा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है और तार सप्तक का प्रारंभ है 1943 ईस्वी से। आगे ने तार सप्तक कवियों को राहों का अन्वेष, ये भी ध्यान रखिए महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया कि तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेष किसने कहा, तो आप वहां पर करोगे आगे ने कहा। अब तक कुल 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हो चुका है और 4 का संपादन करने वाले हैं आगे। प्रत्येक तार सप्तक के अंदर 7 रचनाकार शामिल है, सप्तक यानी 7, तो प्रत्येक जो तार सप्तक उसके अंदर 7 रचनाकार शामिल है, उनकी रचनाएं शामिल है। प्रथम तार सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से तार सप्तक के कवि हैं, तो वहां पर कहीं असमंजस में होगे कि प्रथम तार सप्तक के कवि पूछ रहे हैं या दूसरे या तीसरे या चौथे, जो प्रथम तार सप्तक है उसको ही तार सप्तक कहा जाता है। तो तार सप्तक भी आ सकता है, प्रथम भी आ सकता है, तो थोड़ा ये ध्यान रखें आप। अब देखते हैं प्रथम तार सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष था 1943 प्रथम तार सप्तक। अब इसमें जो कवि थे, रचनाकार थे 7, उनको देखते हैं। सबसे पहले प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, गिरिजा कुमार माथुर। इन रचनाकारों को आपको याद रखना है, किसी भी तार सप्तक का किसी भी रचनाकार को पूछा जा सकता है। अब ये 7 इनको याद करने का एक सूत्र है, प्रभा ने राग सगी इसके अंदर 7 आ जाएंगे। प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, ने से नेमीचंद जैन, रा से रामविलास शर्मा, ग से गजानन माधव मुक्तिबोध, स से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे और गी से गिरिजा कुमार माथुर। प्रभा ने राग सगी, ये प्रथम तार सप्तक के 7 कवि आ गए। प्रभा ने राग सगी, ये थोड़ा सा एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा।
दूसरे तार सप्तक की हम बात करते हैं तो इसका प्रकाशन था 1951, पहला तैयारी दूसरा 51। अब इसके जो सात रचनाकार सात कवि है वो देखिए, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, हरनारायण व्यास और रघुवीर सहाय। अब इन सातों कवियों का अगर हम सूत्र रूप में पिरोएं तो सब धन शहर, या यूं कहें कि जो सारा धन है ना वो शहर के अंदर है, सब धन शहर। सह से शमशेर बहादुर सिंह, भय से भवानी प्रसाद मिश्र, धय से धर्मवीर भारती, न से नरेश मेहता, सह से शकुंतला, है से हरनारायण व्यास और रह से रघुवीर सहाय। तो पहले का सूत्र हो गया प्रभाने राग सगी, और दूसरे तार सप्तक में जो सात कवि हैं रचनाकार हैं सब धन शहर, ये हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे तार सप्तक की, उसमें देखते हैं जो तीसरे तार सप्तक है उसके कवि रचनाकार प्रकाशन वर्ष देखते हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1959 ईस्वी में। इसके जो रचनाकार हैं विजय देव, नारायण साई, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्सायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी, ये सात कवि हैं तृतीय तार सप्तक में शामिल। अगर इनको हम देखें सूत्र के रूप में तो विप्र के मस्कुकी, विप्र के मस्कुकी, वी से हो जाएगा आपके विजयदेव नारायण साई, प्र से हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी, के से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, म से हो जाएगा मदन वात्सायन, स से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कु से हो जाएगा आपके कुंवर नारायण और की से हो जाएगा कीर्ति चौधरी। तो विप्र के मस्कुकी ये तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि। चतुर्थ तार सप्तक की बात करें तो ये बराबर हुआ था 20 वर्ष बाद में इसका प्रकाशन 1979 ईस्वी के अंदर। इसके जो रचनाकार कवि हैं वो देखते हैं, सबसे पहले सुमन राजे, श्री राम वर्मा, नंद किशोर आचार्य, अवधेश कुमार, स्वदेश भारती, राजेंद्र किशोर और राजकुमार कुंभन, ये सात रचनाकार हैं इसके अंदर। अगर इनको अगर सूत्र रूप में ढाला जाए तो सुश्री ने असरारा, सुश्री ने असरारा, सु से सुमन राजे, श्री से श्रीराम वर्मा, न से नंद किशोर आचार्य, अ से आपके अवधेश कुमार हो जाएगा, और स से स्वदेश भारती हो जाएगा, रा से राजेंद्र और फिर रा से राजकुमार कुंभन। ये थे प्रमुख चारों तार सप्तक के प्रमुख कवि थे। अब इनको आप सूत्र रूप में याद रखें, किसी भी तार सप्तक किसी भी रचनाकार को पूछा जा सकता है। एक विशेष बात, तार सप्तक के जनक तो हमारे अज्ञ जी हैं, लेकिन जो तार सप्तक जो विचारधारा है ये इसको देने वाले थे प्रभाकर माचवे। इस विचारधारा की देन है वो प्रभाकर माचवे की है। ये थी हमारी आज की साहित्य कक्षा। दोस्तों आपसे फिर से निवेदन है, गुजारिश है, हमारी साहित्य की कक्षा और जो दूसरी तरफ पद्य भाग चल रहा है 9 से 12, अगर आपको हमारी ये कक्षाएं उपयोगी लगती है, आपको अच्छी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें और चैनल से जोड़ें ताकि सभी की निःशुल्क मदद हो सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।